सिंगरौली जन प्रतिनिधियों ने सड़क और कॉमर्शियल हवाई अड्डा बनाए जाने को लेकर सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से दिल्ली में मुलाकात की। विधायक रामलल्लू वैश्य ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने उनके प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही है। वहीं सड़क मार्ग बनाने का कार्य बरसात के बाद शुरू कर दिया जाएगा। सिंगरौली जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 39 के कार्य को प्रारंभ करने के साथ ही प्रयागराज से वाया चितरंगी सिंगरौली स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग के फंड की व्यवस्था के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आग्रह पत्र दिया। इस दौरान सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि बरसात के बाद सड़क मार्ग का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं रामलल्लू वैश्य ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिंगरौली के हवाई पट्टी को कॉमर्शियल हवाई अड्डा बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। दिल्ली का दौड़ा विकास NH-39 को लेकर खास कर रहा हो रहा है, हवाई पट्टी को लेकर। चूँकि मैं 12 तारीख को शाम को दिल्ली गया, माननीय सांसद जी समय ली थी, केंद्रीय विमानन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मुलाकात की और सिंगरौली एयरपोर्ट के बारे में उनसे कॉमर्शियल एयरपोर्ट बनाने की मांग की। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इसकी मैं जांच कराऊंगा और यहां तक संभव है प्रयास करूंगा कि आपका कॉमर्शियल में जुड़े। साथ ही 39 NH को लेकर के माननीय नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन से भी मुलाकात हुई उनके निवास पर और उनको ज्ञापन दिया गया। उन्होंने कहा इसकी जांच कराएंगे, साथ ही शीघ्र ही इसका निर्माण शुरू होगा बरसात के बाद। आने वाले समय में प्रयागराज से सिंगरौली तरफ रोड का एक निर्माण सीधा हो ताकि इलाहाबाद से सीधे सिंगरौली वासी जुड़ सकें और आगे भी, चाहे वो छत्तीसगढ़ में जोड़े और कहाँ भी जोड़े, पर मैं तो ये कहा कि सिंगरौली तक ये पहले बन जाए। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।